दोस्तों टाटा मोटर्स इंडिया की तीसरी सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी बन चुकी है और पिछले कुछ सालों में टाटा ने अपनी कारों के अंदर काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट भी करा है, अपनी सर्विस को भी काफी ज्यादा बढ़िया किया और लोगों तक पहुंचा है और इसी वजह से अभी टाटा का सेल दिन प्रतिदिन इम्प्रूव होते जा रहा है और टाटा की कारों की डिमांड अच्छी खासी देखने को मिल रही है और इसी के साथ टाटा की कुछ कारों को इंडियन मार्केट में लॉन्च करा जाना है जो कि कम्प्लीटली नए नए प्रोडक्ट रहने वाले हैं। तो हम इस वीडियो में टाटा की अपकमिंग कारों के बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं जिनको इस साल यानी 2023 में इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाना है। नंबर एक पे आती है टाटा कर जो कि कूपे स्टाइल एसयूवी कार होने वाली है, लेकिन काफी पहले ही टाटा मोटर्स ने इस कार को ऑब्वियसली इंडियन मार्केट में रिवील कर दिया है। इस कार को अभी हाल में हुए 2023 ऑटो एक्सपो में अनवील किया गया था, लेकिन इससे पहले इस कार को शोकेस किया गया था, तब बताया जा रहा था कि इस कार को सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑप्शन में मार्केट में लाया जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी ने क्लियर कर दिया है और ये कंफर्म कर दिया कि टाटा कर में आपको पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन दिया जाएगा, यानी इस कार को पेट्रोल और ईवी दोनों वेरिएंट में मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। तो डेफिनेटली ये कार लॉन्च होने के बाद मार्केट में आग लगा देने वाली है क्योंकि इस कार का लुक काफी शानदार है। ये कार फ्रंट से दिखने में काफी ज्यादा बोल्ड और बड़ी है और ये कूपे डिजाइन में लॉन्च होने वाली पहली एसयूवी कार है। इसकी साइड प्रोफाइल देखने में काफी डिफरेंट है और जो स्लोपिंग रूफलाइन है वो भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। रियर में आपको जॉइंट एलईडी टेल लैंप मिलेगी जो काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लुक देगी इस कार को। तो इस कार का रोड प्रेजेंस नेक्स्ट लेवल होने वाला है और इस साल के ऑटो एक्सपो में जो मॉडल शो किया गया था टाटा मोटर्स के द्वारा वो लगभग 80% प्रोडक्शन रेडी मॉडल था। इसके अंदर सिर्फ 20% चेंज कर सकती है कंपनी जो कि इसे और ज्यादा बेहतरीन बनाने के लिए चेंज किया जाएगा। सारी चीजें अच्छे से तो लॉन्च के बाद ही पता चलेगी, लेकिन इसके इंटीरियर के बारे में बात करें तो इसमें आपको फीचर्स भर के मिलने वाले हैं वो भी फ्यूचरिस्टिक टच के साथ। जैसे कि आपको बड़ा सा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, सनरूफ का ऑप्शन भी दिया जाएगा, कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी का ऑप्शन मिलेगा, लेदर सीट्स, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग जैसे जबरदस्त फीचर्स आपको टाटा की इस अपकमिंग कार में देखने को मिलेगा। और इस कार में आपको 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन का ऑप्शन दिया जाएगा और ये कार इलेक्ट्रिक वर्जन में भी इंडियन मार्केट में लॉन्च होगी। शायद इसका पेट्रोल मॉडल सबसे पहले इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा, उसके बाद इसका इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च होगा। प्राइस की बात करें तो इस कार की प्राइस लगभग 10 लाख से 15 लाख रुपए तक वैरी करने वाला है। अब ये डिपेंड करता है कि टाटा कंपनी इसे किस सेगमेंट के अंदर उतार रही है, इसमें कितने फीचर्स दिए जा रहे हैं। अगर प्रीमियम फीचर्स दिए जाए तो डेफिनेटली इस कार की कीमत थोड़ी सी हाई रहने वाली है। आपके ख्याल से इसकी प्राइस क्या होगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। सेकंड पोजीशन पे टाटा पंच आती है। इसका सीएनजी मॉडल, टर्बो स्पोर्ट मॉडल और ईवी मॉडल इसी साल इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है। इस साल 2023 के ऑटो एक्सपो में टाटा ने पंच ICNG को इंट्रोड्यूस किया था जिसके अंदर आपको ट्विन सिलेंडर दिया जाएगा, यानी कि आपको टाटा पंच ICNG के अंदर बाकी कारों की तरह अच्छा खासा बूट स्पेस ही रहने वाला है। हालांकि ये काफी बेहतरीन इनोवेटिव किया है टाटा मोटर्स ने, लेकिन आज के समय में जो सीएनजी गाड़ियां बिक रही इंडियन मार्केट में आप उसमें आपको बूट स्पेस ना के बराबर मिलता है, लेकिन यहाँ टाटा पंच के केस में बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा आपको गाड़ी में कुछ छोटे मोटे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं और इसका टर्बो स्पोर्ट्स मॉडल भी इस साल इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। अब जिसको भी टाटा पंच के अंदर ज्यादा पावर आउटपुट चाहिए ड्राइव का मजा लेने के लिए वो टर्बो स्पोर्ट्स के साथ जा सकते हैं। अब अगर बात करें लॉन्च की तो सबसे पहले पंच का सीएनजी मॉडल लॉन्च होगा जो कि अप्रैल या मई तक आ जाएगा और उसके बाद इसका टर्बो स्पोर्ट्स मॉडल ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा। अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो इसकी ICNG मॉडल 1 लाख रुपए तक ज्यादा हो सकती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल वेरिएंट, यानी कि पंच के सीएनजी मॉडल 7 या 7.5 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। थर्ड नंबर पे अल्टोज आती है जिसका रेसर एडिशन मॉडल या सीएनजी मॉडल जल्द ही इंडिया में लॉन्च होने वाला है। हालांकि टाटा अल्टोज की ये दोनों ही मॉडल 2023 के ऑटो एक्सपो में शोकेस हो चुके हैं। जिन लोगों को पता नहीं उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि टाटा अल्टोज का रेसर एडिशन कम्पीट करेगा i20 N-Line के साथ और ये स्पोर्टियर वेरियंट रहने वाला है अल्टोज का। इसके एक्सटीरियर में भी काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा, काफी ज्यादा कॉस्मेटिक चेंजेस किए जाएंगे, यानी कि इसको थोड़ा सा स्पोर्टियर बनाने की कोशिश की जाएगी जिससे कि काफी ज्यादा स्पोर्टियर वाइब आएगी। इसका इंटीरियर भी काफी ज्यादा चेंज हुआ है, यहाँ आपको स्पोर्टी टच वाला डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, टच स्क्रीन भी काफी बड़ा यूज किया गया और काफी नए एलिमेंट यूज किए गए हैं। अगर मैं सीएनजी मॉडल की बात करूँ तो यहाँ अल्टोज का सीएनजी मॉडल भी इसी साल मार्केट में लॉन्च होना है और ये कार लगभग सीएनजी किट के साथ 26 किलोमीटर पर केजी का माइलेज दे सकती है। आज के टाइम में टाटा कंपनी टियागो और टिगोर के अंदर सीएनजी किट ऑफर करती है और दोनों कारें काफी सक्सेसफुल रही है सीएनजी किट के साथ, लेकिन उन दोनों कारों के अंदर आपको सिंगल सिलेंडर मिल जाता है और यहाँ पंच और अल्टोज के अंदर ट्विन सिलेंडर का ऑप्शन मिलने वाला है जिसकी वजह से आपको बूट स्पेस कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। तो ये काफी बढ़िया चीज मुझे लगी। अब जिन लोगों को ज्यादा माइलेज वाली सेफेस्ट हैचबैक चाहिए वो अल्टोज का सीएनजी वर्जन का वेट कर सकते हैं, या फिर जिन्हें अल्टोज में ड्राइविंग के मजे लेने वो लोग अल्टोज का रेसर एडिशन का वेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अल्टोज का सीएनजी मॉडल को खरीदने के लिए 1 लाख तक ज्यादा रुपए देने पड़ सकते हैं, लेकिन इसका जो रेसर एडिशन रहेगा उसके प्राइस में नॉर्मल से कुछ ज्यादा का डिफरेंस हो सकता है क्योंकि टाटा ने उसके एक्सटीरियर में काफी बदलाव करा, उसको स्पोर्टी लुक देने की कोशिश करी।
करी गई है और उसके इंटीरियर में भी आपको काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल जाएंगे। उसी वजह से इसका रेसर एडिशन कीमत थोड़ी सी ज्यादा रहेगी और इसका जो सीएनजी मॉडल रहेगा उसके प्राइस में 1 लाख या उससे थोड़ा ज्यादा का डिफरेंस मिलेगा। अगर हम बात करें लॉन्च की तो ये रेसर एडिशन और सीएनजी दोनों ही मॉडल इस साल के मिड यानी कि जून जुलाई तक लॉन्च होती दिख जाएंगी। फोर्थ नंबर पर टाटा की नेक्सॉन आती है। अब बहुत ही जल्द नेक्सॉन का फेसलिफ्ट टाटा मोटर्स द्वारा लॉन्च किया जाएगा और इसकी टेस्टिंग करते हुए भी कितनी बार स्पाइक किया गया और उसका सीएनजी वर्जन भी काफी जल्द लॉन्च किया जाएगा। कुछ दिन पहले ही मारुति सुजुकी ने ब्रेजा का सीएनजी वर्जन लॉन्च किया और ब्रेजा का सीएनजी मॉडल आपको लगभग 26 किलोमीटर पर केजी का माइलेज दे देगा। हालांकि ब्रेजा के चार ही मॉडल के अंदर आपको सीएनजी किट मिलेगी और ब्रेजा सीएनजी को टक्कर देने के लिए टाटा मोटर्स नेक्सॉन का सीएनजी वर्जन लॉन्च करती है। लास्ट और पांचवें नंबर पे टाटा का ब्लैकबर्ड जो कि एक मिडसाइज एसयूवी कार होने वाला और टाटा ब्लैकबर्ड का इंतजार काफी लोग लंबे समय से कर रहे हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है कि टाटा ब्लैकबर्ड कम्पीट करने वाले इंडियन मार्केट में हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस के साथ, रिसेंटली लॉन्च हुई हाइराइडर और ग्रैंड विटारा के साथ, इसके अलावा कुसाक और टाइगुन के साथ ब्लैकबर्ड का मुकाबला होने वाला है। तो ये तो आने वाला समय बताएगा कि ब्लैकबर्ड मार्केट में कितना जगह बनाती है, लेकिन टाटा के पास ये काफी अच्छा मौका है इस सेगमेंट में अपना दबदबा बनाने के लिए, क्योंकि रिसेंटली मारुति ने ग्रैंड विटारा को लॉन्च किया था जिसके हर महीने 8,000 ज्यादा यूनिट बिक रहे हैं और ये कार टॉप 10 में आराम से अपनी जगह बना रही है और यहाँ पर ग्रैंड विटारा ने काफी अच्छे से मार्केट कैप्चर करा है। अगर टाटा भी ब्लैकबर्ड को जल्दी से लॉन्च करती है बेहतरीन इंजन और फीचर्स के साथ तो ये मार्केट में अपना जगह जरूर बना सकती है। अगर हम इसकी लॉन्च की बात करें तो अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, लेकिन इसे 2023 के इंडिया नेक्स्ट ईयर लॉन्च किया जा सकता है। इनमें से कौन सी कार बेस्ट होगी कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।